हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलीशियस कुकिंग आर्ट चैनल। मैं हूँ रीमा। आज हम बनाएंगे सर्दियों में मोस्ट डिमांडिंग आलू गोभी की रेसिपी, वो भी प्याज और लहसुन के बिना। उसके साथ ही आपके साथ शेयर करूँगी कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक जिससे आपकी गोभी टूटेंगे नहीं। आज की इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ आप बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पे गोभी को स्मॉल पीसेस में कट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑयल में गोभी को हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। उसके बाद इसे फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे हमें नमक नहीं यूज़ करना है, सिर्फ हल्दी से ही इसे फ्राई करके हम अलग निकाल के रख देंगे। अभी सेम कढ़ाई में मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। उसके बाद आलू को ऐसा पीसेस पे कट करके इसे हल्दी और नमक से फ्राई करके इसे अलग निकाल के रख लेंगे। मैंने यहाँ पे सरसों के तेल को यूज़ किया है, आप चाहे तो कोई भी तेल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आलू को ऐसा फ्राई कर लेंगे, उसके बाद इसे निकाल के हम प्लेट में रख देंगे। अभी हम तेल में साबुत मसाले ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 3 इलायची ले लिया है, 2 लाल मिर्च, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग। अभी इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून चना दाल ले लिया है, इसे भी थोड़ा सा इसमें भून लेंगे। उसके बाद एक टमाटर को स्लाइस में कट कर लिया था, इसे भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। 1 इंच अदरक को मैंने यहाँ पे पीसेस पे कट कर लिया था, इसे भी ऐड कर दिया है। मैंने यहाँ पे काजू ऐड कर दिया है। उसके बाद गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा करके मिक्सर जार में हमें एक फाइन पेस्ट कर लेना है। यहाँ पे मैंने कुछ धनिया पत्ता भी ऐड कर दिया है। उसके बाद इसे हम अच्छी तरह से पेस्ट बना लेंगे। अभी हम ग्रेवी के लिए एक कढ़ाई ले लिया है, उस पर मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। यहाँ पे 1/2 टेबलस्पून जीरा ऐड कर दिया है। 1 पिंच मैंने यहाँ पे हींग ऐड कर दिया है। उसके बाद इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। फिर मैंने यहाँ पे 2 तेज़पत्ता ऐड कर दिया है। फिर अभी मसाला ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। अभी सभी मसालों को थोड़ा पानी ऐड करके इसे फ्राई कर लेंगे। हम सभी मसालों को यहाँ पे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे मसालों को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे जो पेस्ट बना के मैंने यहाँ पे रखा हुआ था, उसे भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। फिर मैंने यहाँ पे जार में जो मसाला लगा हुआ था, उसमें मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें ऐड कर दिया है। अभी मसालों को अच्छी तरह से हमें फ्राई कर लेना है। इस स्टेज पे मसालों को हमें अच्छी तरह से फ्राई करना है। जब तक मसाले से तेल अलग नहीं हो जाए, हमें मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है। देखिए, मसाले से तेल अलग होना स्टार्ट हो गया है। इस स्टेज में हम फ्राइड आलू को यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद इसे थोड़ा सा ऐसे चलाते हुए इसे भून लेंगे। फिर मैंने यहाँ पे जो गोभी फ्राई करके रखा हुआ था, उसे भी ऐड कर दिया है। उसके बाद मसालों के साथ अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लेंगे। इस स्टेज में 2 से 3 मिनट हमें गोभी को इस तरह से आलू के साथ अच्छी तरह से हमें पका लेना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। उसके बाद मसालों के साथ इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। फिर मैंने यहाँ पे 2 मिनट के लिए लीड लगा दिया था। लीड लगा के इसे अच्छी तरह से हम पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप नोटिस किए होंगे अभी तक मैंने यहाँ पे कोई भी नमक का यूज़ नहीं किया है। जब आलू और गोभी मसाले के साथ अच्छी तरह से भुन जाए, वहाँ पे हमें पानी ऐड करना है। पानी आपको जिस हिसाब से ग्रेवी का क्वांटिटी चाहिए, उस हिसाब से आप पानी ऐड कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पे 2 कप पानी यूज़ किया है।
इस स्टेज पे हमें नमक ऐड करना है। अभी मैंने यहाँ पे हाफ टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया है। जब भी आप गोभी का सब्जी बनाएं आप नमक लास्ट में ही यूज़ कीजिए, उससे आपके गोभी टूटेंगे नहीं। अभी नमक ऐड करके इसे अच्छी तरह से थोड़ा मिला लेंगे। उसके बाद 10 मिनट्स के लिए यहाँ पे ढक्कन लगा के लो फ्लेम में इसे हम कुक कर लेंगे। 10 मिनट्स बाद देखिए हमारा गोभी और आलू अच्छी तरह से पक चुका है। इस स्टेज पे कस्तूरी मेथी को क्रश करके यहाँ पे ऐड कर दिया है। फिर चॉप्ड धनिया पत्ता यहाँ पे ऐड कर दिया है। उसके बाद लास्ट में मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून घी का यूज़ किया है। तो लीजिए हमारा डिलीशियस आलू गोभी का रेसिपी बनके रेडी है, वो भी प्याज और लहसुन के बिना। इसके साथ मैंने यहाँ पे गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आप इस टेस्टी एंड डिलीशियस आलू गोभी के रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने यहाँ पे सिंपल वे में आपको आलू गोभी की रेसिपी बनाना दिखाया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।